दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था और आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। नामांकन वापस लेने का समय चुनाव आयोग द्वारा 3 बजे तक निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है। सह निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम रितिका जिंदल ने बताया कि मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था और आज किसी भी प्रत्याशी ने निर्धारित समय तक अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों को छोड़कर सभी आजाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं सुबह से क्यास लगाए जा रहे थे कि भाजपा से बागी प्रत्याशी प्रवीण शर्मा अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं, लेकिन अब नामांकन पत्र वापस लेने का समय समाप्त होने के पश्चात स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है और अब सदन में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज जो था 29th को लास्ट डे ऑफ विड्रॉल था और 3 बजे तक ही लास्ट टाइम जो था विड्रॉल था। मंडी में एज सच किसी ने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने किसी ने भी कोई विड्रॉल नहीं किया है। तो अभी तक हमारी जो है फिर फाइनली 9 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था। स्क्रूटनी में 9 के 9 का ही एक्सेप्ट हुआ था और सिंस कोई विड्रॉल नहीं है इसलिए सारे 9 के 9 कैंडिडेट्स को ही कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स माना गया है। तो हमारे 9 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो फाइनल हो गई है। तो मैं आपको एक बार ये लिस्ट कंफर्म कर देती हूँ। तो नेशनल पार्टीज़ हमारे यहाँ ग्रुपिंग होती है, सबसे पहले नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के कैंडिडेट्स का नाम लिखा जाता है बैलेट पेपर में, उसके बाद आता है हमारा अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ का, फिर हमारे थर्ड जो ग्रुप आता है वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। तो हमारे नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज और जो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है जिसमें हम अपना बैलेट पेपर छपाते हैं वो होता है हिंदी में, चाहे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ बट जो उनका सीरियल नंबर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो हिंदी देवनागरी लिपि से ही लिया जाता है। तो सबसे पहले हैं अनिल शर्मा जी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, उनको मिला है लोटस कमल का फूल। सेकेंड चंपा ठाकुर जी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको हाथ जो सिंबल है ये रिजर्व्ड सिंबल्स हैं, नेशनल पार्टीज के रिजर्व्ड सिंबल्स होते हैं और अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज ने भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिजर्व किए हैं सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है 3 प्रपोज करने होते हैं अपने नेम प्रायोरिटी वाइज सिंबल के, तो उनको उनमें से अलॉट किया जाता है। तो थर्ड हमारे हैं चेतराम जी, ही इज फ्रॉम बहुजन समाज पार्टी और एलिफेंट इनका सिंबल है। फोर्थ श्यामलाल जी, ये हैं आम आदमी पार्टी से, इनका जो सिंबल है वो झाड़ू है ब्रूम। फिफ्थ कैंडिडेट हैं संजय कुमार जी फ्रॉम राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, इनका जो सिंबल है वो है फ्लूट बांसुरी। और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं 6th नंबर पे आए हैं मेजर खेम सिंह ठाकुर जी, उनका है गैस सिलेंडर फर्स्ट चॉइस उनकी। 7th में है प्रवीण शर्मा जी पिन्नू, उनका है ऑटो रिक्शा जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। राजीव कुमार जी वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका है टेलीफोन, ये भी उनकी जो है फर्स्ट चॉइस थी। लास्ट हमारे कैंडिडेट हैं 9th कैंडिडेट लक्ष्मिंदर सिंह जी, उनकी जो फर्स्ट चॉइस है एप्पल यानी सेब, ये उनका सिंबल है। तो ये हमारे 9 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट फाइनल हुई है अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स जो कि मैंने आपको बताया। तो पोस्टल बैलेट में 10th ऑप्शन वो रहती है नोटा की, नन ऑफ द अबव। तो बैलेट पेपर में या ईवीएम मशीन में या पोस्टल बैलेट में देखेंगे उसमें 10 रहेंगे, 9 ये कैंडिडेट्स एंड 10th ऑप्शन। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।